प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी और इसके लिए 15 दिन से संदिग्ध आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। 12 जुलाई को पीएम मोदी ने पटना का दौरा किया था और इससे ठीक पहले पटना पुलिस ने एक मकान पर रेड डालकर आतंकी इस फैक्ट्री को बेनकाब किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनका कनेक्शन सीधे पीएफआई से जुड़ रहा है। ये 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाने के गुप्त मिशन पर भी काम कर रहे थे। पटना में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 12 जुलाई की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिमी से लेकर पीएफआई तक का कनेक्शन। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के दौरे पर आए थे। विधानसभा के 100 साल के मौके पर उनका ये दौरा बेहद छोटा था, मगर इस दौरे में गड़बड़ी फैलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी। ये खुलासा पटना पुलिस ने किया है, जिसने पीएम मोदी के दौरे से महज एक दिन पहले यानी 11 जुलाई की शाम 7:30 बजे घटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस की छापेमारी में ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन है, तो दूसरा अलहर परवेज, जो पटना में 2023 में हुए बम धमाके के आरोपी का सगा भाई है। इत्तेफाक देखिए कि 2013 में भी हुंकर रैली करने आए नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया गया था। उसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए अतर ने मोहम्मद जलालुद्दीन के घर को 16,000 रुपए की रकम के बदले किराए पर लिया और देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना जारी रखा। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके, एयर टिकट नाम बदल करके होटल में रुकना ये सब कर रहे थे। सिर्फ अपना नाम ही नहीं, पुलिस के मुताबिक ये देश का ईमान बदलने की साजिश रच रहे थे। 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाने का इनका प्लान था। इनके आतंकी ठिकाने से दस्तावेज मिला है जिस पर लिखा है इंडिया 2047 और नीचे लिखा है टूअर्ड रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। यानी ये 2047 तक भारत में इस्लाम का राज कायम करने के प्लान पर काम कर रहे थे। सुनिए इस मकसद को हासिल करने के लिए उनका क्या प्लान था। अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। देश के 10% मुसलमानों की मदद के अलावा पीएफआई के इस दस्तावेज में विदेशी मुल्कों से मदद मांगने का भी ब्यौरा दर्ज है। सुनिए, राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पी कैडर्स, हम अपने पी कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पी एफ आई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेयरर ऑफ इस्लाम। साफ है कि ये नेशनल ही नहीं एक इंटरनेशनल साजिश है जिसका पर्दाफाश पटना में हुआ है। अब इस मॉड्यूल के इन 2 चेहरों की कुंडली भी आपको बता दें। मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, उसके मकान से ही देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। वहीं अतर परवेज के तार सीधे सिमी से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये भी पता चला है कि ये जो लोग हैं, ये सिमी के जो कार्यकर्ता कहिए, इससे सिमी के जो संदिग्ध आतंकवादी जो जेल में बंद हैं, उनको ये लोग जमानत पे रिहा करवाया करते थे और इन्हें प्रशिक्षण दिया करते थे। और दरअसल हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का जो है ये पूरा
जो काम है इस आतंक के पाठशाला में जो है वो चलाया जा रहा था, और अब फिलहाल पुलिस ने इस आतंक के पाठशाला को सील कर दिया है। अतर परवेज सिमी का पूर्व सदस्य है। साल 2001 में सिमी बैन हुआ, उसके बाद बिहार में 2001, 2003 और 2013 में जितनी आतंकी वारदातें हुई उन सभी में आरोपियों की जमानत इसी ने दी।